मैं बहुत डर गया था, मैं रोना नहीं चाहता था। मम्मी पापा की तरह मैं खुद को
कहाँ रह गई थी तुम? कल पूरी रात घर पर क्यों नहीं आई? वो क्योंकि मैं इसे क्यों जवाब दे रही हूँ? मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। क्या तुम्हें प्राइवेसी का मतलब नहीं पता? ओ हेलो जान्दी, मुझे ना इतना एटीट्यूड दिखाना बंद करो तुम। और इसे प्राइवेसी नहीं कहते हैं, प्राइड कहते हैं। क्या कहा? ओ हेलो मैडम, जवाब दिए बगैर कहाँ जा रही हो? प्राइवेसी और प्राइड में क्या डिफरेंस होता है? ये अपने टीचर से पूछने जा रही हूँ मैं। ए, पहले मुझे बताओ कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। नहीं बताऊंगी। इसकी तो हाँ, पता नहीं क्या समझती अपने आप को। कैसा चल रहा है सब? फाइन मैम। जिनप्यो कहाँ है? वो स्कूल गए हैं। और हाशिन कैसी है? जब आप यहाँ नहीं थीं, वो जिनप्यो से मिलने आती थी। उन्होंने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया। ओह गुड, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपके पास कोई और रिपोर्ट है? जी देखिए मिस्टर जोंग, मैं जानती हूं कि मेरे पीछे से आप सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिनप्यो के साथ डील करना इतना आसान नहीं है। पर इस बार आपने ध्यान नहीं रखा है ना? I'm sorry मैम, मैं अपनी गलती मानता हूं। आगे से ध्यान रखिए। Yes मैम। आ गए, अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते तुम? मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट है। अच्छा,
तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ नहीं जाता है, कपड़े तुम घर पर बदलते हो और खाना बाहर से खाते हो। इसे ट्रेनिंग का नाम देकर खुद को बेवकूफ मत बनाओ। अरे क्यों, मैं यहाँ पर सोता नहीं हूँ क्या? एक तो छोटा सा घर है और हर जगह गंदे गंदे कॉकरोचेस घूमते रहते हैं। इतने से बेड पर सो के मेरे लेग्स में भी स्प्रेन आ गया है। तो क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब करने के लिए किसी ने नहीं कहा। अपने साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? तुम मुझे कब बताने वाली हो? क्या वो मुझे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। ए! मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ए! क्या आपका नाम कांसन है? हाँ मैं ही कांसन हूँ। मेरे साथ चलिए। मैं चांदी के घर गया था। शायद आपको पता नहीं, चांदी ने घर शिफ्ट कर लिया है। ये कब हुआ? मुझे पिज्जा बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी आ गए आप। जल्दी कांसन जाओ, उठो। कौन है बाहर? जैंदी। Hey, what's up? आप सब यहाँ कैसे आना हुआ? हम जैंदी को नए घर के लिए कॉन्ग्रेट्स करने आए हैं। पर आपको मैंने घर पर इनवाइट किया ही नहीं था।
तो यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों रहते हो? वैसे इतना बुरा भी नहीं है, यहाँ पर काफी शांति है और ये हमें बहुत कम रेंट पे मिल गया, फ्री जैसा ही समझो। जुनपियो यहाँ कैसे? Who is it? जैंदी के बहुत फैंस हैं। मैं देखकर आती हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? आप सब यहाँ? तुम सब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जुनपियो यहाँ नहीं आया था। वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वो कब कहाँ होता है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे घर में अगर कोई मेहमान आए तो तुम उसे विश नहीं करती हो, उसे अंदर आने के लिए नहीं कहती हो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? इसीलिए कहते हैं कि फैमिली वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। मैम आप अंदर आना पसंद करेंगी? नहीं रहने दो, मैं तुमसे यहाँ बाहर रहकर ही बात करना पसंद करूंगी। अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाने का तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। ये क्या कह रही हैं आप? आप गलत समझ रही हैं। ओह रियली? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि आप मेरे ही घर आकर मुझे सुना रही हैं। तो वो क्या है? तुम जो भी कहती हो हमेशा उस बात का उल्टा करती हो, ऐसा क्यों करती हो? समझाओगी? तुम सीक्रेटली अपने घर में एक ऐसे लड़के को बुलाती हो जो पहले से एंगेज्ड है, क्यों? और तुम कह रही हो तुम सही हो? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, जुनपियो अपनी मर्जी से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तुम जैसी लड़कियों को बातें बनाना और लड़कों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है, तुम कुछ नहीं कर सकती। जुनपियो तुम्हारे पास बार बार आता है, इसीलिए मैं आज तुमसे एक फेवर मांगने आई हूँ। अगर जुनपियो तुमसे मिलने आता है तो तुम उससे मिलने से मना कर दो, तब मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना शुरू कर दूंगी। क्या तुम जुनपियो से हमेशा के लिए मिलना बंद कर सकती हो? बोलो, कर सकती हो? क्या मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकती हूँ? कुछ तो बोलो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सब कुछ सिखाया है, दूसरों के घरों में इस तरह दखल अंदाजी करना? अपने बारे में तो नहीं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। मिस्टर चोंग चलिए। यस मैडम। सुनो जानदी, जुनपियो की मॉम की बात का बुरा मत मानना, वो हमेशा से ऐसी ही हैं, वो हमसे भी ऐसे ही बात करती हैं। पर जुनपियो यहाँ कब शिफ्ट हुआ? जैंदी, ये नए घर के लिए गिफ्ट है। क्या?
मैम को ऑर्डर है कि आपको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सर। लेकिन मॉम को यह सब कैसे पता चला? शायद मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी सर। सर हाशिन मैम आई है, वो बात नहीं मान रही है। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? नहीं आ सकती, हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, तुम भूल गए? मेरा तुम्हारे साथ कहीं जाने का मूड नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तो तुम्हें पूछने आई थी कि मैं जानदी के घर जा रही हूँ, तुम्हें चलना है? इट्स ओके, मैं अकेली चली जाऊंगी। क्या कहा? कहाँ जा रही हो तुम? जानदी के घर, हमने वहाँ लास्ट टाइम नूडल्स खाए थे ना, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। चलो फिर, अब तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर रही हो तो साथ चलते हैं। सच में? लेकिन तुम्हें मेरी मॉम से परमिशन लेनी होगी। तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें कह दूंगी कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। अब चलो। नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा है। चलो भी, जाना इम्पोर्टेंट है क्या? छोड़ो ना। अरे चलो ना।